गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं डिलाइट। आइए गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं कुरैशी कबाब कॉर्नर। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और गाइस आज का व्लॉग काफी क्रेजी होने वाला है, क्योंकि गाइस आज हम जाने वाले हैं डंकी मूवी देखने। हाँ, दो तीन दिन लेट हो गए हैं क्योंकि हमें सीट नहीं मिली थी, सारी सीट ऑलरेडी फुल थी, तो अब जाके सीट मिली है और हमने बुक भी कर लिया है। तो चलेंगे 3 बजे, 3 बजे का अपना टिकट है, तो उससे पहले जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। तो गाइस नाश्ते में तो मस्त अपना फेवरेट आलू का पराठा है और फिर चाय है, हमें दूध भी दे देना। और इधर इन लोग, ये लोग भी आलू का पराठा और चाय वगैरह खा पी रहे हैं। ये क्या है जी साहब? ये चौकोस है। चौकोस? चौकोस तो नहीं लग रहा है। अच्छा, ये दूसरा है। नहीं, ये तो बड़े खाते हैं, बच्चे थोड़ी ना खाते हैं। खाते हैं बच्चे, ये बहुत टेस्टी होता है, मीठा सा। अच्छा गाइस, अम्मी लगी पड़ी है आलू के पराठे बनाने में। अभी तक कितने बना दिए अम्मी आपने? सब ने खा गए, दो तो पराठे सब लोग खाए। और ये देखो कितने सारे आलू काटे हुए रखे हैं भाई साहब। तो गाइस फाइनली सबने नाश्ता कर लिया है और अभी बज रहे हैं 1, तो जल्दी से मस्त रेडी हो जाते हैं क्योंकि हमें काफी दूर जाना है। यहाँ से जाना है हमें आसफरी रोड, यानी कि दरियागंज, है ना। तो काफी दूर और दिल्ली में ट्रैफिक तो पता ही है आपको कितना रहता है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी चलते हैं रेडी होने। A few moments later. तो गाइस फाइनली मैं भी रेडी हो चुका हूँ और सारे लोग रेडी होकर नीचे पहुंच चुके हैं, कार में बैठ चुके हैं, बस मैं और मम्मी लेट हो गए, है ना। तो जल्दी चलते हैं नीचे और निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। आज काफी मजा आने वाला है, तो पूरा व्लॉग देखना, सो लेट्स गो। जिसान कहाँ जा रहे हैं हम? मूवी देखने। कौन सी? मुझे नहीं पता। दंती? डंकी है वो, दंती नहीं है। मतलब कौन सा दोबारा बोलियो। नहीं, मूवी का नाम बोल जल्दी। दंती। दंती कहाँ जा रहे मूवी देखने बता? इंडिया डेट। मामू के पास जा रहे हैं हम, दरियागंज। A few moments later. So guys, यहाँ पर हमने अपनी कार कर दी है पार्किंग, अब चलते हैं सीधा डिलाइट क्योंकि सिर्फ आधा घंटा रह रहा है मूवी स्टार्ट होने में, है ना जी सान? चलो अब चल रहे हैं डिलाइट। और आज पहली बार फैमिली के साथ मैं डिलाइट आया हूँ। वैसे तो पहले मैं आ चुका हूँ दोस्तों के साथ करीब 2 बार, दो तीन बार तो आ चुका हूँ, लेकिन पहली बार अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और उनको पूरा डिलाइट दिखाऊंगा कैसा है। नहीं तो हम फैमिली के साथ सिर्फ PVR जाते थे। और अभी जस्ट आधा घंटा रह रहा है मूवी स्टार्ट होने में, तो जल्दी चलते हैं। और हमने अपने मामू को भी बुलाया, उनका भी टिकट कर दिया है ना, तो साथ में मिलकर मूवी देखेंगे। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं डिलाइट। और ये देखो काफ़ी तगड़ा बैनर भी लगा हुआ है डंकी का और काफ़ी भीड़ भी बाहर हो रखी है। ये देखो आज मंडे है तभी बहुत भीड़ हो रखी है। अभी थोड़ी देर में अपने मामू भी आ जाएंगे, तब लेंगे इसमें एंट्री। तो अभी हमने एक पानी का बोतल लिया था बिस्लैरी का और यहाँ इसमें भी डंकी का पोस्टर लगा पड़ा है भाई साहब। किसान को हमने ले दिया है एक नमकीन और ये इसे छुपा के लेके जाएगा अंदर। ये देखो कहाँ छुपा रहा है भाई साहब, इन्हें लगता है ये पकड़े नहीं आएंगे। बहुत सही बहुत सही, बहुत आगे जाओगे। ये तो जाए नहीं ना बाबू, अपनी चट्टी में छुपा दे, चट्टी में। आइए बात है यार, ये तो दिख रहा है, चीज दिलाओ बाबू। किसान छुपा दे तुमने तो, ये कोई पकड़ ही नहीं पाया। सो गाइस फाइनली डिलाइट में एंट्री हो चुकी है, अभी थोड़ी देर में अंदर जाएंगे। इधर से के बाद हमारी जिंदगी एक जैसा था, शक्ति नहीं हो पा रहे थे इस बुद्धू। आइए चमेट मार, नहीं चल कोई नहीं, फिर पता नहीं। और वो बोले जब लाइक करते हो हम डिफ्यूज। ये तो मैंने दो दो आई।
आ गए हम थोड़ा 10 मिनट लेट आए थे और पापा लेकर आ चुके थे पैटिस। गाइस ये देखो बर्गर लपेटने में लगा पड़ा है। अरे बस ठीक है भाई ज़्यादा मत लपेट, मज़ा आ गया। खाएगा पूरा? पूरा खाएगा। तूने क्या खाया? बहुत बढ़िया एक नंबर। बन जा भाई, बढ़िया एक नंबर। सो गाइस एग्जिट हो चुके हैं फाइनली और रात का व्यू देखो इधर का, चारों तरफ भीड़ काफी हो रखी है। तो गाइस मस्त मूवी देखकर आ गए, सबको मूवी पसंद आ गई और एक नंबर मूवी थी। काफ़ी भीड़ था भाई, क्राउड तो एक नंबर था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, मतलब चलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। और अभी हमने पार्किंग से गाड़ी निकाल ली है, अब मस्त चलते हैं जामा मस्जिद कुरैसी कबाब खाने, वहाँ तो फेमस कुरैसी कबाब। A few moments later. गाइस अभी आ चुके हैं जामा मस्जिद और मामू लेकर जाएंगे कहीं नई जगह। हाँ लेकर जाओगे मामू? कुरैसी कबाब लेकर जाएंगे, जो कि यहाँ जामा मस्जिद में जानते हैं कितना फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ का कुरैसी कबाब है, तो वहीं चलेंगे आज। गाइस यहाँ जामा मस्जिद में देखो, यहाँ तो ऑल टाइम भाई भीड़ रहती है, ऑल टाइम। गाड़ी किसी तरह पार करके आ गए हैं मामू, ये देखो। और ये रहा अपना भाई जामा मस्जिद, काफ़ी दिनों बाद आए हैं, फाइनली पहुंच चुके हैं कुरैसी कबाब कॉर्नर। भाई साहब यही है भाई पूरे जामा मस्जिद में, यानी कि पूरे पुरानी दिल्ली में फेमस। गाइस यहाँ की भीड़ चेक करो भाई साहब, कुरैसी कबाब के फैन ज़्यादा है यहाँ पे। पहुंच चुके हैं कुरैसी कबाब खाने के लिए, लेकिन यहाँ भीड़ काफ़ी है तो जगह नहीं मिल रही भाई, सीट नहीं मिल रही, तो अभी थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे सीट के लिए। गाइस मस्त ऑर्डर दे दिया है और पचड़ी कटवा ली है, अपना ऑर्डर नंबर 20 है, देखते कितना टाइम लगता है। आधे घंटे हो गए बैठे बैठे, अभी तक ऑर्डर नहीं आया और बार बार आंसू आ जा रहा है क्योंकि धुआं लगे जा रहा है, तो वहाँ बन रहा है ना साइड में ही, तो बहुत तेज धुआं लग रही है आँखों में। ये तो गाइस यहीं साइड में ही बन रहा है। तो गाइस फाइनली अपना कुरैसी कबाब आ चुका है, आधे घंटे इंतजार करने के बाद देख रहे हो कितना लाजवाब लग रहा है ये, हैं मामू मुँह में पानी आ रहा है। रोटी तो माली टेस्ट करते हैं कैसा लगता है, देखते हैं। सो गाइस मस्त खा लिया है कबाब और रोस्टेड चिकन दबा के एकदम, और पेट पूरा भर गया भाई। ये लोग भाई खा रहे हैं सब लोग, मेरा पेट भर गया भाई, काफ़ी खा लिया है, कम से कम 6-7 रोल तो खाई लिए होंगे। ये देखो दबा के हमारे छोटे नवाब अभी दबा रहे हैं। किसान कितना खाएगा और? 5 रोल खाएगा अभी। ठीक है ठीक है। सो गाइस फाइनली सारी प्लेटें ख़त्म हो चुकी हैं अभी, लेकिन अभी भी 1-1 रोल रह रहे हैं। किसी तरह मुझसे से खाया है भाई, बहुत ज़्यादा मंगा लिया था हमने। कुरैसी कबाब खा के आ चुके हैं और मज़ा ही आ गया। और बिल जानते हो कितने का बैठा है? बिल बताना जरा मामू। 1750 ये देखो बिल भाई साहब, पूरा 2000 का नोट देना पड़ा है, 2000 का नोट बंद हो गया, 500 के 4 नोट देना पड़ा है। 2000 years later. So guys, finally घर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम निकले थे दोपहर के 1 बजे और अभी बज रहे हैं रात के 11:32. ओ भाई साहब इतना लेट हो गया, क्योंकि लेट इसलिए हो गया क्योंकि गाइस हमने इतनी देर तक मूवी देखी वहाँ पर और काफ़ी मजे करे, कुरैसी कबाब खाया, काफ़ी जगह घूमा, तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी यादगार था हमारे लिए और काफ़ी मज़ा आया, मूवी काफ़ी अच्छी थी, सबको मज़ा आया और कुरैसी कबाब में भी मज़ा आ गया। बस ये है कि कुछ ज़्यादा मंगा लिया था हमने और बिल काफ़ी महंगा बैठ गया, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा तो आया हमें। बाकी अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एकदम मज़ेदार व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।